हेलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 5% की दोबारा से रैली आई है और लगातार स्टॉक बुल्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि कहां तक स्टॉक का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट तो आपको याद ही होगा दोस्तों, नए टारगेट्स भी सामने आए हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट, अपग्रेडेड टारगेट, यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने। यहाँ पे ट्राइडेंट को हम तब से ट्रैक कर रहे हैं जब ये 7-8 रुपए का स्टॉक था, और तब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। बेसिक्स की अगर आप बात करें, फंडामेंटल्स की अगर आप बात करें, वो तो ट्राइडेंट के अच्छे हैं ही, टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर भी लगातार बुल्स हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। एक हफ्ते दो हफ्ते की रैली आती है, उसके बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन दिखाता है और दोबारा से रैली को स्टार्ट करता है। इस वीडियो में देखेंगे हम कि कहां तक दोबारा स्टॉक जाएगा आपका, नए टारगेट्स क्या है, साथ ही अगर आप खरीदारी अब करते हैं तो नए टारगेट्स आपको क्या लेकर के चलना है, बेचना कब है वो भी बताऊंगा। चलिए पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करें। फंडामेंटल अगर आप कंपनी को देखते हैं तो काफी अच्छा है, रिटर्न्स एफडी से बेहतर मिले हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें वो इनसफिशियंट है कंपनी कंपेरेटिवली, अगर आप देखें स्प्लिट के बाद काफी कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में नहीं पता लगेगा। बट यस, डिविडेंड अच्छा देती है, कोई रेड फ्लैग नहीं कंपनी में, और रिटर्न्स जो रहे हैं वो एफडी से बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। कंपनी ने पिछले अगर आप देखें एक साल में तो लगभग 320% का रिटर्न दिया है, और वही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर इतना रिटर्न कोई कंपनी दे रही है। देखिए 1 ईयर 247.93% का लो 7.10 का लगाया था, अगर आप देखेंगे इसे तो काफी बढ़िया है, अराउंड 300 के आसपास का रिटर्न है। और यही चीज अगर आप 5 ईयर पे देखते हैं तो 5 ईयर का रिटर्न भी काफी बेहतर है। तो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, एंड यही एक अच्छे स्टॉक की खासियत होती है कि स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। अब ये एक फेवरेबल सिचुएशन क्यों है, जैसा मैंने बोला कि ट्राइडेंट को अभी भी बाय किया जा सकता है, तो इस समय पर फेवरेबल सिचुएशन क्यों है यहाँ पे। देखिए खबर जो है वो चाइना से है, और चाइना इस समय पर काफी हेल्प कर रहा है इंडिया को ग्रो करने में। अब वो डायरेक्टली तो हेल्प करेगा नहीं, आप जानते हैं कि चाइना और हमारा चाय कैसा चलता है, इसीलिए चाइना ने एक बड़ा डिसीजन लिया और चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो 2060 तक नेट कार्बन जीरो एमिटर कंट्री बनना चाह रहे हैं, यानी कि कार्बन एमिशन को वो शून्य करना चाह रहे हैं 2060 तक। शून्य करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कार्बन एमिट नहीं करेंगे, बट कंट्रोल्ड वे में करेंगे वो लोग 2060 के बाद। अभी बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन है वहां का, और यही कारण है कि आप देखिए ग्लोबली टेम्परेचर वगैरह कितना बढ़ रहा है। इसी के चलते एवरग्रैंड क्राइसिस आया, उसके बाद इंडिया में आप देखिए फाइनेंशियल सिस्टम जो रहा इंडिया का, जो पीएसयू बैंक रहे वहां पर लोगों का भरोसा बढ़ा, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सीबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इनमें कितनी अच्छी रैली इस हफ्ते में आई है। इसके बाद चाइना ने डिसीजन लिया है कि अब वो कार्बन एमिशन कम करेंगे, और इंडिया का पावर सेक्टर बड़ा खुश दिखाई देता है। टाटा पावर से लेकर के एनटीपीसी, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, सभी स्टॉक्स में बहुत बढ़िया रैली है। और क्योंकि अब चाइना के इस डिसीजन के बाद वो लोग बढ़ते कोल और गैस प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये रैली भी कंटिन्यू रहेगी। अब टेक्सटाइल सेक्टर को या ट्राइडेंट को किस तरह से हेल्प करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। The crackdown on power consumption is being driven by rising demand for electricity and surging coal and gas prices, as well as a strict target from Beijing to cut emissions. It's coming first to the country's mammoth manufacturing industries, from aluminium smelter to textile producer and soybean processing plant. Factories are being ordered to curb activity or in some instances shut altogether. बहुत सारी companies को curb के अंतर्गत, rules regulation के अंतर्गत चलाया जाएगा, चाहे वो textile producers हो, क्योंकि बड़ी industry जो है इनके यहाँ पे, चाहे metal sector एक बहुत बड़ा हिस्सा hold करता है इनकी GDP में, textile बहुत बड़ा हिस्सा hold करता है इनकी GDP में। टेक्सटाइल एक ऐसा इंडस्ट्री है कि वहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम होता है, और लेबर इंटेंसिव में आप जानते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लेबर जो प्राइसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं उनकी इकोनॉमी से कंपेयर करके देखें अगर आप। तो यही कारण है कि चाइना जो है वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उनकी वो काफी अच्छा चलती है, और वो ग्लोबल प्राइसेस में काफी कमी लेके आते हैं हर बार अपने एक्स्ट्रा सप्लाई के साथ। अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो नेट कार्बन जीरो एमिटर कंट्री बनने का फैसला लिया है, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बंद किया है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत ही चलाया जाएगा। यही कारण है कि इस समय पर जो बढ़ते दाम है कोल, गैस, टेक्सटाइल
सभी की अगर आप देखें उसमें चाइना इंटरवेंशन नहीं कर सकता, और ये एक अच्छी खबर बनके भारत के लिए आई है। यही कारण है कि ट्राइडेंट में जब से ये खबर आई है तब से ही ये रैली की जो शुरुआत हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब खरीदारी तो करनी है क्योंकि खबर फेवरेबल है, और चाइना का जो डिसीजन है वो 5 साल 10 साल नहीं चलने वाला है, ये चलने वाला है लंबा। और अगर आप देखिए कि 250% 300% का रिटर्न अगर ट्राइडेंट आपको एक साल में देता है, इसका मतलब है कि अगर आने वाले सालों में ये 100% पर ईयर का भी रिटर्न देता है ना, तो आपका पैसा आने वाले 10 सालों 15 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं इस एक स्टॉक से। इतना ज्यादा कैपेबल है और इतना ज्यादा कंपनी बेहतर काम कर रही है, और जिस तरह की खबरें हैं इस समय पर मार्केट में, लगता यही है कि अगर आपने एक स्टॉक भी बाय करके 2025 तक रख लिया ना, तो ये स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि खरीदारी कहां पर करनी है और कहां तक स्टॉक को रखना है। एक चीज जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था एंट्री पॉइंट का, नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। अब अगर ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन का मतलब क्या है, ओवरबॉट जोन का मतलब है ये आरएसआई जो है वो 81.60 का हो रखा है। आरएसआई नॉर्मली 70-75 तक चल जाता है, 75 तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक खरीदारी की जा सकती है, बट ये 81 का हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्टॉक अब गिरावट में आ सकता है, हैंगिंग मैन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है और गिरावट हो सकती है स्टॉक में। प्राइस करेक्शन अक्सर आता है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टॉक में एक हफ्ते दो हफ्ते की रैली आती है और उसके बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन आता है, उसके बाद दोबारा रैली कंटिन्यू करता है, वो हमने देखा है। जैसे ये रैली आई एक हफ्ते की, उसके बाद 2-3 हफ्ते तक लगातार एक रेंज में रहा, फिर ये रैली आई, फिर से 2-3 हफ्ते के लिए एक रेंज में चला गया, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखिए कि ये रैली आई है इस हफ्ते की, और यहाँ से 1-2 हफ्ते के लिए ये एक रेंज में जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रैली जो है वो दोबारा स्टार्ट करेगा। मोतीलाल ओसवाल का जो प्रीवियस टारगेट था वो 32 रुपए का था। इस समय पर जब जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने नई रिपोर्ट निकाली है, सिक्योरिटीज ने भी नई रिपोर्ट निकाली है, ये सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट आई है, और उन लोगों का जो टारगेट है वो 50+ का है यहाँ पे ट्राइडेंट का। तो मुझे लगता है कि आपको वहां तक होल्ड करके चलना चाहिए, और तब तक नहीं बेचना चाहिए जब तक आपको उसका मनचाहा रिटर्न नहीं मिल जाता है। जब तक कंपनी अच्छी है यार, बेचने की गलती आपको शायद नहीं करनी चाहिए। कहाँ खरीदारी करनी है, 26.7 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है स्टॉक आपको, यहाँ तक की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, बट यस यहाँ तक की गिरावट हो सकती है। जो पहला टारगेट है इस हफ्ते का या इस महीने का वो 32 रुपीज का है, और मुझे लगता है कि इस महीने में 32 रुपए आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो खरीदारी करिए, कोई दो राय नहीं है, सपोर्ट आपको 26 के आसपास होना चाहिए, 26.5-26.7 के आसपास पहला गोल, पहला टारगेट 32 रुपीज का। स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, गिरावट की संभावना है, इस लेवल पर खरीदारी ना करो तो ज्यादा बेहतर है, बाय ऑन डिप्स के बाद खरीदारी की जा सकती है, कोई दो राय नहीं है। तो 32 का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 50 रुपीज प्लस का है हमारा, होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी आपको। यहाँ पे खरीदारी करनी हो बाय ऑन डिप्स के बाद खरीदारी कीजिए। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है हमारा, वीकली भी और डेली भी, तो बिल्कुल टेक्निकल भी सपोर्टिव है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, और खबरें जो है वो तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। तो खरीदारी करके चलो, कोई दो राय नहीं है इसमें। बात बाजार की करें तो बाजार इस समय पर बेयर गैंग जो है थोड़ी सी यहाँ पे एक्टिव दिखाई देती है, बट वो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी या क्रैश होगा। जितने भी थंबनेल या जितनी भी खबरें आप देखते हैं उनमें यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रैश अभी नहीं आ रहा है, वो टाइम लगाएगा, क्रैश जब आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पैसा डूब जाएगा। अभी ये बस प्राइस करेक्शन है, टाइम करेक्शन है, 17,532 का अभी भी सपोर्ट है, 17,500 का सपोर्ट है, बने रहिए बाजार में, बाजार में बुल्स दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। समय फेवरेबल है, ग्लोबली थोड़े से संकेत नेगेटिव है, यही कारण है कि बाजार में प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में बना है हमारा, और थोड़ी जो वॉलेटिलिटी है वो इस वजह से भी है कि इस समय पर FIIs जो है वो थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, और माल बहुत ज्यादा बेचा है उन्होंने पूरे हफ्ते में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, DII संभाल रहे हैं। आप ट्राइडेंट में अगर आपका स्टॉक बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो बढ़ाइए, बाजार को देख करके अपने डिसीजंस को चेंज करने की गलती मत करना, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो खरीदारी करने की सलाह, 32 रुपए का टारगेट, 50 का नेक्स्ट टारगेट, खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी यहाँ पे। लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट भी अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।